इस वक्त अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल की सपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। पहले जेराल्ड फोर्स और अब आइजनहावर। अमेरिका का एक्शन बता रहा है कि वो ईरान और हिजबुल्ला को हर हाल में रोकने वाला है। अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तब भेजा है जब ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इसराइल ने गाजा पट्टी में हमले नहीं रोके तो वो भी युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। इसराइल का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के हर आतंकी का नाश। ईरान का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के खात्मे को बचाने के लिए युद्ध में कूदना है। अमेरिका का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इसराइल को हिजबुल्ला से, हमास से और सबसे बड़े दुश्मन ईरान से बचाना है। मामला फंस गया है। इसराइल फिलिस्तीन युद्ध का फंदा अब ईरान और अमेरिका के गले में भी फंसता जा रहा है। अमेरिका ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में उतार दिया है। आइजनहावर अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भूमध्य सागर पहुंचने वाला है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल जानकर आप चौंक जाएंगे कि यह किस कदर का शक्तिशाली है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल में जाने से पहले जो बाइडेन के भेजे इस युद्धपोत के भूमध्य सागर में उतरने की टाइमिंग समझ लीजिए। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रणभेरी बच गई है। ईरान और अमेरिका किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। यूएसएस ड्वेट डी आइजनहावर सीवियन 69 अमेरिका ने इसराइल के सपोर्ट के लिए तब भेजा है जब ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दी है, युद्ध में कूदने की धमकी। ईरान ने कहा है कि इसराइल गाजा पट्टी पर तत्काल हमले बंद करे वरना वो हमास के सपोर्ट में मैदान में उतरेगा। बर असास दरकम अज वाकईयत मुकावमत बे जिनायतकारान जंगी व हामियान आनहा दर मंतगे हुशदार मिदहम के ता दीर नशुदे جنایات جنگی رژیم کودک‌کش جعلی در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. شاید ساعات دیگر خیلی دیر باشد. लेबनन में हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन हासिल है और यही हिजबुल्ला जब गाजा पट्टी से हमास ने इसराइल पर हमला किया तो दूसरी ओर से इसने भी इसराइल के खिलाफ रॉकेट दागने शुरू कर दिए। हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने विवादित क्षेत्र में 5 इजरायली आउटपोस्ट पर हमले किए हैं। तो इस वक्त इसराइल चारों तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है। अमेरिका का मदद के लिए पहुंचना भी तय माना जा रहा था। आपको आगे दिखाएंगे कि इसराइल के सपोर्ट में अमेरिका ने सिर्फ समंदर में युद्धपोत नहीं उतारे हैं बल्कि आसमान में भी पहरा कैसे सख्त कर दिया है। लेकिन उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री का एक और वक्तव्य सुन लीजिए क्योंकि ईरान क्या करने जा रहा है। دریافتم که با توجه به سناریوهای در مقابل حزب الله هر گونه اقدامی یک زلزله بزرگ علیه صهیونیست‌ها خواهد بود। ईरान की इसी बोली वाणी का रिएक्शन भूमध्य सागर में दिख रहा है जब अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर इसराइल के खिलाफ किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगभग तैयार खड़े हैं। जेराल्ड फोर्ड पहुंच चुका है और आइजनहावर पहुंच रहा है। आइजनहावर स्ट्राइक किस्म का युद्धपोत है जो परमाणु हथियार, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। अमेरिका की इसके जरिए हिजबुल्ला या ईरान को चेताने की कोशिश है। अमेरिका इसराइल की यारी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है लेकिन उसकी डिटेल आगे, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट को इस वक्त चिंता सता रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक देश ही परमाणु शक्ति संपन्न है। फिलिस्तीन इसराइल युद्ध में तो कई परमाणु शक्ति संपन्न देश एक साथ टकरा सकते हैं, उसके बाद क्या होगा? मंथन जारी है, यूएन खुला है, यूरोपियन यूनियन विचार कर रहा है। ईरान अमेरिका का आमना सामना टालने की तैयारी शुरू हो चुकी है लेकिन इस बीच ईरान से लेकर लेबनन तक खोल रहा है। इस समय युद्धपोत जेराल्ड फोर्ड पहले से ही पूर्वी भूमध्य सागर की निगरानी कर रहा है।
और अब एक और महाशक्तिशाली युद्धपोत इसराइल के सपोर्ट के लिए अमेरिका की तरफ से आ रहा है। अमेरिका को भी यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर इसराइल के पक्ष में खड़े नहीं हुए तो ईरान हमास और हिजबुल्ला के बल पे इसराइल को कमजोर कर सकता है। अमेरिका खुलकर फ्रंट पर खेल रहा है और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पीछे नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिका इसराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित कर ईरान को अलग थलग करना चाहता था। ईरान इस वक्त जिस हमास के समर्थन में उतरा है उसकी आवाज बंद करना चाहता था, लेकिन इस बीच ईरान ने खेल खत्म कर दिया। हमास ने इसराइल को घर में घुसकर मारा और अब इसराइल हमास को उसके घर में घुसकर मार रहा है। अमेरिका इस काम में इसराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हिजबुल्ला या ईरान को हमास से हाथ मिलाने से रोकने के लिए अमेरिका ने दूसरा युद्धपोत भेजने का फैसला किया है। दूसरा परमाणु संचालित युद्धपोत भेजकर अमेरिका ने हमास आतंकवादी समूह के समर्थकों को एक मजबूत संदेश भेजा है और यह सुनिश्चित किया है कि यह संघर्ष गाजा से पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों तक न फैले। अमेरिका युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है या युद्ध भड़काने की सूरत में इसराइल के समर्थन के बहाने ईरान को हमेशा के लिए खामोश करना चाहता है, ये तो एकदम सीधी सी बात है। जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने इसराइल भेजे हैं, भूमध्य सागर में उनकी तैनाती युद्ध वाली कहानी ही बयां करती है। अब हम आपको बताते हैं जिनमें से एक आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से ये लेस है, मतलब USS आइजनहावर परमाणु ऊर्जा से लैस है, 3D रडार से लैस, इसकी जंगी जहाज में टारगेट को इंटरसेप्ट करके नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसकी ऊंचाई है 244 फीट यानी 74 मीटर, इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइजनहावर पर एडवांस फाइटर तैनात हैं, इस पर 56 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं, ये इसकी क्षमता है। इसी के साथ में ये वही वॉरशिप है जिसने खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। आइजनहावर में 1977 से अमेरिका नौसेना में है, तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका की ओर से भेजा गया है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा है। अमेरिका इसकी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराता रहा है। इसराइल के साथ अमेरिका के खड़ा नहीं होने की दशा में इसराइल का अस्तित्व बच पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि इसराइल पर ईरान जैसे देशों की गिद्ध दृष्टि जमी रहती है। ईरान जैसे देश अब तक कबूल नहीं कर पाए हैं कि अरबों के बीच एक यहूदी देश बसा है। यही कारण है कि हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों को खाद पानी देकर ईरान उन्हें पालता रहा है, और यही वजह है कि अब अमेरिका अपनी हैसियत दिखा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर के पहले अमेरिका ने जेराल्ड फोर्ड को भूमध्य सागर में उतारा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है। इस तरह इसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार की 73 मीटर से ऊंचाई से भी ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगाइए कितना ऊंचाई रहा है। इसकी क्षमता 1,00,000 टन से भी ज्यादा बताई जाती है। इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट ले जाने में यह सक्षम है। इसकी रफ्तार है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे चलाने के लिए 4,500 नौसैनिक तैनात कर दिए गए हैं। एयरक्राफ्ट करियर आइजनहावर और जेराल्ड फोर्ड दोनों वॉरशिप परमाणु शक्ति से संचालित हैं और क्षेत्र में किसी भी प्रमुख शक्ति से मुकाबला करने के लिए भूमि पर हमला करने वाली मिसाइलों और F-18 लड़ाकू विमानों में सैन्य शक्ति रखते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि स्ट्राइक ग्रुप को आदेश दिया है कि वो भूमध्य सागर में उत्तर में अपनी पोजीशन ले ताकि इस युद्ध को बढ़ने से रोका जा सके। इसराइल युद्ध नहीं फैलने से रोकने की बातों के बीच समंदर और आकाश दोनों में सुपर एक्टिव है। इसराइल गाजा को मिट्टी में मिला रहा है और अमेरिका समंदर और आसमान से उसकी निगरानी कर रहा है। समंदर में इसराइल को अमेरिका का सपोर्ट दिखा, अब आसमान में देखिए। US एयर फोर्स सेंट्रल ने मध्य पूर्व क्षेत्र में F-15E लड़ाकू जेट और A-10 ग्राउंड अटैक जेट की तैनाती की घोषणा की है। US सेंट्रल कमांड के एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि A-10 इस क्षेत्र में पहले से मौजूद विमान के एक अन्य स्क्वाड्रन में शामिल होगा। अमेरिकी वायुसेना ने क्षेत्र में F-15, F-16 और A-10 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन की तैनाती की घोषणा की थी।
अमेरिकी बल की स्थिति में वृद्धि इसराइल की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता और इस युद्ध को बढ़ाने की कोशिश करने वाले किसी भी राज्य या गैर राज्य को रोकने के हमारे संकल्प का संकेत है। इसराइल कहां जाकर रुकेगा और अमेरिका ईरान या हिजबुल्ला को कब तक रोक पाने में कामयाब होगा, इस पर फिलहाल मंथन ही किया जा सकता है, क्योंकि कम से कम अभी तो कोई पक्ष रोकने वाला नहीं दिख रहा है। ईरान और अमेरिका के हित इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर आकर अटक गया है। अमेरिका के प्रतिबंध से बौखलाया ईरान चाहता है कि वो अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराए, जिसके पास परमाणु बम भी है और बेहतरीन ड्रोन भी। ईरान को यह भी लगता है कि अगर वो इस युद्ध में कूदता है तो अरब देशों के अलावा चीन और रूस भी उसका साथ देंगे। ये सही है कि ईरान अमेरिका से टकराया तो जंग होगी, वो रूस यूक्रेन महायुद्ध से भी बड़ा विनाशक और मौतों वाली होगी। लेकिन इसके बीच का सच है कि दोनों युद्ध भड़का रहे हैं। ईरान हमास या हिजबुल्ला का साथ नहीं छोड़ सकता, तो अमेरिका भी इसराइल को धोखा नहीं दे सकता। अभी उसके दो युद्धपोत ही समंदर में उतरे हैं। जरूरत पड़ी तो अमेरिका भूमध्य सागर को अपनी नौसैनिक शक्ति से मत देगा, लेकिन समस्या ये है कि ईरान अपना परमाणु बम लेकर सिर्फ इतराता रहेगा या इसराइल के अंत के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी कोई बड़ा फैसला